नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं इंडिया टीवी संवाद के एक अगले कार्यक्रम में, एक और कार्यक्रम में। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में जैसी सूरत का सामना करना पड़ा, लगातार तीन दिन तक कोशिशों के बाद भी बहुमत साबित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद दोनों तरफ के अपने अपने दावे, अपने अपने आरोप अपनी जगह पर कायम है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि इससे नरेंद्र मोदी को और अमित शाह की जोड़ी को हराने का मंत्र भी विपक्ष को मिल चुका है, और वो मंत्र है एकजुटता। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर जीत सीधे बीजेपी के हाथों से छीन ली, अब राहुल गांधी इसको तमाम राज्यों में जाकर दोहराने की बात कर रहे हैं। बहरहाल, हमारे साथ तीन मेहमान हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, तालियों के साथ स्वागत करें। गौरव जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ है राजीव त्यागी जी। राजीव जी, शुक्रिया आज आने के लिए संवाद में। और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील सिंह साजन हमारे मेहमान हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हमारे सामने साफ है, 2019 में अब किसकी सरकार? गौरव भाटिया, कर्नाटक के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने भी इस बात की ओर इशारा किया था मजाक में कि हर चुनाव को मोदी की परीक्षा या 2019 का सेमीफाइनल ऐसा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कर्नाटक में जो प्रचार हुआ जिस तरीके का, लोगों को वाकई लगा कि अब ये ट्रेंड कायम रहेगा 2019 तक, इसी किस्म की बातें होंगी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं तो झलक थी 2019 की, और वो चुनाव आप हार गए। इसका क्या संकेत है 2019 के लिए? दो, एक और एक मिलकर 11 हुए और आपके मुंह से निवाला छीन। देखिए, शुरुआत आज मैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं उससे करना चाहूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जनादेश आया है वो स्पष्ट आया है। 106 हमारी सीटें सबसे ज्यादा आई, 104, 64 सीटों का इजाफा हुआ। कांग्रेस की सीटें 44 कम हो गई, जेडीएस की सीटें 2 कम हो गई, और उसके बाद सिद्धारमैया अपना चुनाव खुद हार गए। कर्नाटक की जनता स्पष्ट चाहती थी कि बदलाव आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और मैं समझता हूं कि ठीक है, हमने, गवर्नर ने हमें बुलाया, हमने वहां बहुमत साबित करेंगे ये प्रयास किया, लेकिन सिद्धारमैया जी ने उसके बाद इस्तीफा दिया। आगे अभी बहुत चुनाव आएंगे, 20 प्रदेशों में हमारी सरकार है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 31 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। इन दोनों पार्टियों में एक समानता जरूर है, वो है वंशवाद की, भ्रष्टाचार की, तुष्टीकरण की राजनीति की, और यही गोंद है जो इन्हें जोड़े हुए है। वरना राहुल गांधी के नाम से आप गांधी हटा दीजिए तो बचता क्या है राहुल गांधी में, आप बताइए। भारत चलेगा तो वो युवक जिनमें निष्ठा होगी, जिनके पास काबिलियत होगी, जिनके पास ईमानदारी होगी, उनके पास। राहुल गांधी पे थोपा गया है, ये ऐसा नहीं है भारत कि केवल एक ही परिवार राज करेगा, और इसीलिए हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब अपनी मेहनत अपनी निष्ठा से ऊपर उठे हैं, और चुनाव जो है आते जाते हैं। जब जब इस तरह के, मैं समझता हूं, गठबंधन हुए हैं सत्ता का सुख भोगने के लिए, तो आप देखेंगे वो सरकारें जल्द ही गिर जाती हैं। ऐसी सरकार में कभी भी ऐसी स्टेबिलिटी नहीं होती है और जनता ये नहीं चाहती। चलिए, आप आरोप लगा लीजिए परिवारवाद का, हकीकत आज तो कम से कम ये है कि राहुल गांधी की पार्टी ने जो कदम उठाया गठबंधन का, उसने आपको सरकार बनाने के मौके से वंचित कर दिया। राजीव त्यागी, अब बाकी जो आरोप लगाया इन्होंने राहुल गांधी और आपकी पार्टी पर। देखिए, सबको पहले तो नमस्कार मेरा। हर एक कश्ती का अपना तजुर्बा होता है दरिया में, हर एक कश्ती का अपना तजुर्बा होता है दरिया में, सफर में रोज ही मजदार हो ऐसा नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि रोज रोज जो हार और जीत का खेल है वो रोज रोज एक जैसा नहीं रहता, सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ हार एक तरफ जीत है। तो आज कर्नाटका में जिस तरह से हमने अपना बहुमत की तरफ बढ़े हैं, ये पोस्टपोल अलायंस हमेशा रहे हैं, भारतीय राजनीति में पोस्टपोल अलायंस हुए हैं सौरभ जी, और हमने वो पोस्टपोल अलायंस करने का कार्य किया, और हमने बहुत सी चीज देखी, विपक्षी से सीखनी चाहिए, हमने जेटली जी से सीखी। जेटली जी ने एक बात कही थी, जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने छोटा दल होने के बाद भी सरकार बनाई थी, तो उन्होंने ट्वीट किया था आई विल कोट, इन हंग असेंबली इफ मेजोरिटी ऑफ द इलेक्टेड एमएलए फॉर्म ए कॉलेशन
the government would be constitutionally right in inviting the leader of the majority coalition to form the government and prove their majority within a short period. तो ये जेटली साहब ने कहा था तो हमने उससे सीख लिया. भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गोवा में, मणिपुर में, बिहार में और साथ साथ अगर आप देखें मिजोरम में जिस तरह से किया था, उसकी एक चाणक्य की उक्ति है, छठे शाट्यम समाचरेत. चाणक्य कहते हैं कि कांटे ही कांटे को निकालता है, दुष्ट को दुष्टता से ही मारा जाता है. तो महान चाणक्य को फॉलो करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कांटे से कांटा निकाल दिया कर्नाटका में. उसमें कौन सी बड़ी बुरी बात हो गई? दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत स्पष्ट है. हम 1 करोड़ नौजवानों को आगामी 5 सालों में निश्चित रूप से रोजगार देंगे. हम पकौड़ा नहीं तलवाएंगे नौजवानों से, रोजगार देंगे उनको, पहली बात. दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों के मामले में हमने 8,165 करोड़ रुपए ऋण माफ किया था, किसानों का ऋण माफ किया था. आगे भी हम ऋण माफ करके, हमारा सवाल यह है कि मोदी सरकार हमें यह बताए कि किसानों का कितना ऋण उसने अभी तक पूरे देश में माफ किया है और कितना करने जा रही है. आज तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे आपकी गठजोड़ को, गठजोड़ जो है वो नरेंद्र मोदी अमित शाह को रोकने के लिए आ रहा है. आप दीजिएगा जरूर मेरा सवाल, क्योंकि अभी आंकड़ों पर रहते हैं. अब जो हुआ कर्नाटक में पीछे की बात है, अब तो आगे की बात सोचनी चाहिए. लेकिन लड़ाई ये लड़ते हैं राज्य जीतने के लिए बीजेपी, इस बार सरकार नहीं बना पाए, ठीक है. आप लड़ाई लड़ते हैं बीजेपी को रोकने की. आज भी आपका मुख्यमंत्री नहीं बना कर्नाटक में, बड़ी पार्टी आप है उस गठबंधन में. बिहार में, मणिपुर में, मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी चलने की लड़ाई लड़ रही थी सत्ता की, लेकिन जिनके साथ सामने लड़ाई लड़ी उनके साथ गठबंधन किया उसने बाद में. गठबंधन का तो और हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो गोवा आज जो असेंबली में वो कर्नाटक में, उसकी हर भारतीय निश्चित रूप से निंदा करेगा. देखिए इस तरह से राष्ट्रगान का अपमान करने का काम येदुरप्पा जी ने, राहुल गांधी महोदय ने, भारतीय जनता पार्टी गीत बज रहा था, विधायकों ने किया, चिंता का विषय है. उस पर उसके बाद देखिए चले गए थे जब राष्ट्रगीत बज रहा था. राहुल गांधी जी के बारे में आप जितनी टिप्पणी करेंगे तो उस पर एक शेर पढ़ देता हूं बहुत स्पष्ट कि मुखालफत से मेरी शख्सियत सबरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं. जितनी बार आप नाम लेंगे उतने पॉपुलर. आपसे पहले एक जवाब देने इस बात का, बोलिए. देखिए साथ आने से, चाहे ये जो छोटे छोटे दल है अगर ये साथ भी आते हैं, एक बात स्पष्ट है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, उनकी विजन है, उससे टक्कर नहीं ले सकते. उत्तर प्रदेश की असेंबली का उदाहरण देता हूं. राहुल गांधी ने खाट सभा शुरू करी, 27 साल यूपी बिहार का नारा दिया, उसके बाद यू टर्न करके साइकिल पे बैठ गए. क्या हाल हुआ? जनता ने नकार दिया, 50 सीटें आई मुश्किल से. किसको बहुमत मिला? हमारी पार्टी को मिला. और आज ही की बात करता हूं, आप देखिए संवैधानिक संस्थाओं को कैसे प्रहार करती है. राहुल गांधी जी सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ राजनीतिक जो है महाभियोग लाए थे. आज वही सर्वोच्च न्यायालय अच्छी हो गई. ईवीएम खराब है अगर कांग्रेस हार जाए, लेकिन ईवीएम अच्छी है अगर कांग्रेस जीत जाए. और आज का ट्वीट है सिद्धारमैया का, पढ़ के सुनाना चाहता हूं. लिखते हैं, विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ इंडियाज हिटलर गोएबल्स ड्यो, कर्नाटका बीजेपी कुड नॉट हैव इंडल्ज इन हॉर्स ट्रेडिंग एंड सच ब्लेटेंट सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और संजय निरुपम जी कहते हैं माननीय राज्यपाल के लिए कि मतलब ऐसे शब्द हैं जो मैं पढ़ भी नहीं सकता हूं. यही गुरूर है जो कांग्रेस को ले डूबा है. दो प्रदेश में इनकी सरकार बची है, जल्द ही वो दो प्रदेश भी इनके हाथ से चले जाएंगे. ये जो गठबंधन हुआ है ना, जिसमें विचारों की ताकत नहीं है, वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, चाहे आप जितना भी प्रयास कर बीच में नहीं बोलूंगा. और गौरव जी भी उम्मीद करेंगे बीच में नहीं बोलेंगे. देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत स्पष्ट है कि ये करें तो सदाचार, बाकी कोई. संजय निरुपम के ट्वीट पे कुछ बताइए और सिद्धारमैया के ट्वीट पे बताइए जो बिहार में जेडीयू गठबंधन कर ले. क्या बुला रहे हैं आप राज्यपाल को? बताइए इस बीच में मत बोलिए. बीजेपी से बीजेपी गठबंधन कर ले वो लीला है, वो रासलीला है. और ये कोई गठबंधन कर ले तो बताइए, इस रास्ते में नहीं है. मैं कहना चाहूंगा प्लीज इसके बारे में बताइए गौरव जी. और गौरव जी आप जो कह रहे हैं ना कमल पे चढ़ गए थे, साइकिल पे, मैं तो ये कहूंगा ये लीला है, रासलीला है, कांग्रेस का कैरेक्टर ढीला है. ये बताइए, बस यही कहूंगा गौरव जी. ये बताइए अगर इस तरह के ट्वीट आएंगे आप भी तो कांग्रेस का कैरेक्टर ढीला थे और साइकिल छोड़ के आपने कमल धारण कर लिया. कमल धारण कर लिया आपने, ये बात भी बता दीजिए थोड़ा सा. राजीव जी जो आप कर रहे हो पार्टियों की बात कर रही है, चर्चा करेंगे राजीव जी. आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पार्टी की बात कीजिए. आपको इनकी पार्टी से कुछ पूछना है, ये उसकी हैसियत से जवाब देंगे आपको. पार्टी के प्रवक्ता बिहार में चुनाव जीता था, ऐसे नहीं
ये कर्नाटक का एक्सपेरिमेंट जो आपने करने की कोशिश यूपी में भी की थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ था, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं विपक्ष को एक साथ जोड़ूंगा, मैं जाऊंगा राज्यों में जहां जहां बीजेपी को हराने की जरूरत है। बताइए, ये पूछ रहे थे कि इसकी गोंद क्या है, गोंद केवल यही है कि मोदी को बाहर रखना, अमित शाह को बाहर रखना। इसकी गोंद भ्रष्टाचार, वंशवाद, राजनीति। अब मैं सबसे पहले तो इंडिया टीवी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संवाद के जरिए कम से कम 4 साल मोदी जी के काम काज पर और देश कितना बदला कितना नहीं बदला ये विपक्ष को भी सवाल पूछने का और लोगों को भी सवाल पूछने का मौका दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना है और मैंने इनको बीच में टीवी में भी सुना, कर्नाटका में येदियुरप्पा जी को इस्तीफा देने के बाद अटल जी की याद आई है, अटल जी ने क्या कहा था वो याद आया है। ये भारतीय जनता पार्टी अटल जी वाली भारतीय जनता पार्टी है या मोदी जी वाली भारतीय जनता? आपकी मुलायम सिंह यादव जी वाली है या अखिलेश यादव जी वाली है, ये बता दीजिए। अखिलेश जी वाली, मुलायम सिंह यादव जी वाली है, उन्होंने स्थापना करी, उनको बहाल कर दिया और ये बातें कर रहे हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और मैं जानता हूं कि आप डिप्टेशन पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, हमारे यहां से ही कोई बात जब हम सरकार में आएंगे आप फिर वापस आओगे करेंगे और हम ही वापस लेंगे, क्योंकि ये इनका जो करैक्टर है, इनका जो चरित्र है, ये बिना सरकार के नहीं रह सकते। अच्छा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप कभी बात करेंगे कि जब 2014 में माननीय मोदी जी देश के सामने गए तो उन्होंने किसानों से क्या वादा किया, नौजवानों से क्या वादा किया, बेरोजगारों से क्या वादा किया, बहन बेटियों से क्या वादा किया, गांव के पिछड़े दलित वंचित लोगों से क्या वादा किया? हम भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और किसी भी पार्टी के लिए इलाहाबाद में यह बैनर लग जाए कि यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं आ सकते क्योंकि यहां बहन बेटियां रहती हैं, यह दुर्भाग्य का विषय है। और इसलिए दुर्भाग्य का विषय है कि आप कठुआ में किसके साथ खड़े होंगे, उन्नाव में आपका विधायक बलात्कार करेगा, सीबीआई जांच चल रही है लेकिन अब तक आप बाहर नहीं निकालोगे, सुन लो बलात्कार के आरोप अपने समय पे बोला करो, बनाया आपने, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को बुला लेते हैं भाई, क्यों प्रजापति ने बोलिए, आप बोल लो, आप उनको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, बोलिए आप, आपने क्या दिया रोजगार के नाम पे? प्रधानमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, और जब हमारा प्रधानमंत्री देश के लाल किले से झूठ बोलेगा तो हमको शर्म आती है, जब हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा कि जो उन्होंने वादा किया था वो जुमला था, हमको भी शर्म आती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई बात बोले बाद में जुमला हो जाए, ठीक है। और जहां तक सवाल गठबंधन का है, क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि ये क्या बिना गठबंधन के सरकार में है? और इन्होंने कहा उपचुनाव उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को एक रास्ता दिखाया है जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, जो बीजेपी के खिलाफ है, ठीक है। सुनील जी, बहुत सी बातें कही, मैं एक सेकंड में अपनी बात करता हूं। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, लाल किले से खड़े होकर झूठ बोलते हैं, ये आरोप लगा रहे। देखिए, हमें तो गर्व है इस बात का कि नरेंद्र मोदी जी जब लाल किले पे जाते हैं तो वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। झूठ पे बताइए ना, झूठ बोलते नहीं बोलते, मैं अभी थोड़ी जुमलेबाजी थोड़ी है, झूठ पे बताइए ना, तो घबरा रहे हैं क्या? 15 लाख, ठीक है, 15 लाख प्रत्येक अकाउंट में आ गए, मनमोहन सिंह एक प्रधानमंत्री आ गए, देखिए चुप करा लीजिए, बताइए ना, पूरी चर्चा में आ गए, मैं रोकूंगा, चिंता आप बताइए ना, प्लीज, अभी उजागर बन गई, किसानों का एमएसपी मिल गई, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया, वो कह रहे हैं आपको भी बोलने के टीवी के मंच पे, आपको भी बोलने के मंच पे जुमले मत रहा, मुझे पता मैं इंडिया टीवी पे हूँ और इटली टीवी के मंच पे नहीं हूँ, बताइए इंडिया टीवी पे हूँ, इटली टीवी पर नहीं, मुझे पता है आपको बोलिए, सुनिए, प्रधानमंत्री झूठ बोलते नहीं बोलते, बताइए, लाल किले से मनमोहन सिंह जब ये कहते हैं कि जो भारत के साधन है उस पर पहला हक मुसलमानों का है या अल्पसंख्यकों का है तो यह तुष्टीकरण की राजनीति है। लेकिन पहली बात मैं सारे दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि योग्यता बेहतर है या वंशवाद? अभी समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। एक समय था मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे,
शिवपाल यादव 10 मंत्रालय रखे थे और वो सबसे मजबूत डिप्टी सीएम की तरह थे। राम गोपाल यादव राज्यसभा में लीडर थे। अरे भाई सबको पता है, लेकिन झूठ पे क्या कहोगे? वंशवाद भी सामने आना चाहिए ना। बाद बाद में पहले वो पहले पहले वो प्रधानमंत्री के बयानों की बात कर रहे हैं, वादों की बात कर रहे हैं जिन्हें वो झूठ कहते हैं। की बात ना ये बता, कारवा क्यों रुका? ये बताइए ना, कारवा इसलिए रुका कि कांग्रेस जैसे चोर है। प्लीज ये बताइए ना, ये बताइए ना, अच्छे दिन कब आएंगे? सामने नौजवान बैठे हैं, इनको रोजगार कब मिलेगा? बताइए, सवाल का उत्तर बताइए ना। गौरव जी, वाड्रा में तो रोजगार है, सामने के रोजगार नहीं है लोगों को। अगर आप रॉबर्ट वाड्रा में कौन सी काबिलियत है? डियर फ्रेंड, 500 करोड़, 1000 करोड़। देखिए रॉबर्ट वाड्रा जी पे बोलिए, राहुल जी पे बोलिए, प्रियंका जी पे बोलिए, मुलायम सिंह यादव जी पे बोलिए, अखिलेश यादव जी पे बोलिए, किसी पे बोलिए। अच्छा ये बताइए, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे? किसानों को एमएसपी कब मिलेगा? छोटे व्यापारियों को व्यापार कब मिलेगा? राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए। पूरी होनी चाहिए, आप भी बोल रहे हैं, ये भी उसी परंपरा का निर्वहन प्रधानमंत्री करते हैं। बराबर बिल्कुल, सबसे ये तो सरकार में है, और सरकार में भी झूठ बोलेंगे, और आप लोगों में बात करके झूठ बोलेंगे। देखिए झूठ तो देश नरेंद्र मोदी जी आज वो प्रधानमंत्री हैं जिनका चरित्र हम सबने देखा। उन्होंने मेहनत करी है, उनके पास एक विजन है, उज्ज्वला योजना, किस तरह से 4 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर मिली, आज से पहले नहीं मिले थे। 18,000 गांव में 55 साल राज किया लेकिन बिजली नहीं पहुंचा पाए, आज हर गांव में बिजली है। मुद्रा योजना हम लोग लाए और मुद्रा योजना से 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। कांग्रेस ने क्या किया? रॉबर्ट वाड्रा को रुपया मिला, राहुल गांधी जिनको कोई नौकरी ना दे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ठीक है, तो ये 31 चुनाव उनके पहली बात तो गौरव, पहली बात तो उन रॉबर्ट वाड्रा के बारे में आपने क्या कर लिया 4 साल में? हाँ, सिर्फ आरोप लगाया, आपने किया कुछ नहीं। एक सेकंड, अब मेरा सवाल, आप जवाब भी दें, सवाल भी सुने, सवाल भी सुने, सवाल भी सुने। ये जो स्कीम गिना रहे हैं, ये कहते हैं हमें इसके दम पर जीत मिलती है, ये तो हकीकत है कि ये राज्यों में लगातार जीत रहे, कर्नाटक में भी सबसे बड़ी पार्टी ये बने, आपकी पार्टी 125 से घट करके आ गई 80 के नीचे, इनका ग्राफ 40 से बढ़कर 104 हो गया। मैंडेट आप बहस करते रहिए किसके पक्ष में नहीं है, लेकिन ये बड़ी पार्टी बने। अब आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हमारे पास काम है, आपके पास क्या जवाब? साधुवाद सौरभ जी, आपको आपने इनके पास राहुल गांधी में सबसे बड़ी हमारी पार्टी थी, मणिपुर में राहुल गांधी है इनके पास, में जब हमारी बड़ी पार्टी थी तब भी आपने बीजेपी से ये सवाल पूछा था, आपको साधुवाद। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, पोस्ट पोल अलायंस हमेशा होते रहे हैं और हमने भी पोस्ट पोल सरकारी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पढ़े हैं, करना होगा पहला प्री पोल करके दिखाएंगे, पहला प्री पोल, दूसरा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और तीसरा पोस्ट पोल, ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है। हम लोग बात जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको कॉमन मीडियम प्रोग्राम बना करके निश्चित रूप से लागू करेंगे। हम इस तरह से नहीं करेंगे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, 370 पे आप कंप्रोमाइज करके पीडीपी के सामने उनके चरणों में लेट गए, उनके चरणों में लेट गए। हम चरणों में नहीं लड़ेंगे, हम किसानों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, नौजवानों के लिए काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपने कहा कि आपकी बहुत सारी योजनाएं बहुत अच्छी थी, अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं जो इंडिया टीवी के दर्शकों को समझ में आएगा। हम लोग घेर कर रहे हैं आतंकवादियों को, हमारे आपके दावों पर बोल रहे हैं वो सुनिए। 10 साल मैं भी उन्हीं की बातों पर, 10 साल में जब हमारी सरकार थी तो 8.2% की दर से जीडीपी बढ़ने का कार्य हुआ। तो आपकी सरकार हारी क्यों? भारतीय जनता पार्टी की 4 साल के कार्यकाल में 7.6% की दर से बढ़ी। सीटों में क्यों समझ गए? आज आप दो राज्य तक किसानों को 72,000 करोड़ रुपए देना चाहिए आपको सब, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ किया। हमारे टाइम पे यदि आप एक्सपोर्ट के आंकड़े देखेंगे, 2013-14 में $4 314 एक्सपोर्ट करते थे, 14-15 में जो एक्सपोर्ट कम हुआ 310 का आ गया, और 15-16 में वो एक्सपोर्ट घटकर के $212 पे आया, और 17-16 में $272 बिलियन पे आ गया। एक्सपोर्ट घट रहा है, 63 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है
कि देश में कहीं डॉक्टरी तरीके कम हो गया है। पांच क्वार्टर्स में लगातार एक्सपोर्ट घटता चला जा रहा है। आप 33,000 नौजवानों को रोज नौकरियां चाहिए, आप 500 नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हैं। पिछला सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, जिस तरह से भारतीय पार्टी करप्शन कर रही है, जिस तरह से भारतीय पार्टी हर चीज जुमलेबाजी बता रही है, उसमें भारतीय पार्टी प्रति नहीं है। सुनील जी, आप देखिए, सवाल यह आ गया। एक बार मैं चाहूंगा जरा प्लीज आप लोग थोड़ा सा शांति रखें। सुनील जी, ये बताइए कि 2019 का चुनाव क्या इनके काम या इनकी नाकामी इस पर लड़ा जाने वाला है, या चुनाव का नतीजा केवल और केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि इनके खिलाफ आप लोग कितने डटकर चुनाव लड़ते हैं, आप लोग कितने राज्यों में एक हो गए। ममता जी कहती हैं कि बीजेपी के सामने जो जहां मजबूत हो, जिस राज्य में कोई भी पार्टी हो वो एकजुट हो जाए सारी पार्टियां और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो फिर तो इनके काम का वोट नहीं हुआ, वे तो आपकी एकजुटता का वोट हुआ। देखिए सौरभ जी, मैंने दोनों लोगों को बहुत बिना टोके हुए मैंने सुना है और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, तो बिना टोके हुए आप भी सुन लेंगे और जवाब जवाब को देने का मौका है। जहां तक सवाल है कि बीजेपी एक बात बहुत आसानी से कहती है कि अगर आप मजबूत हैं तो आप एक क्यों हो रहे हैं। हम लोग गांव से हैं, किसान परिवार से हैं। गांव में एक कहावत है, जब अगर गांव में चोर घुसाए तो पूरा गांव मिल करके दौड़ाता है। एक क्या कांग्रेस की बात कर रहे हैं, चोरी कर ली? ना, हम कह रहे हैं ना, मत टोकिए। अरे भाई ऐसा मत करिए कि जब हमारे पास आप आए तो ज्यादा आपको गिड़गिड़ाना पड़े, लेना हम ही को है। बोलिए। ठीक है, आपने कहा कांग्रेस की चोरी पकड़ी, आपने कहा हमने पूरे देश में बिजली दे दी। आपको ये बताना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकार और दूसरी सरकारों ने इस देश में कितने गांव को बिजली दी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को कितनी बिजली दी है। आपने कहा था कि जो सीमा पर जवान खड़ा है एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। आप गांव जाके देखिए, गांव में जब जवान की लाश शहीद होकर के जब तिरंगे पर लिपट करके आती है तो गांव का आप माहौल देखिए। आप कौन सी बात करते थे? आपने कहा हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और प्रोटोकॉल तोड़ करके पाकिस्तान में चले जाते हैं, जाना चाहिए। अगर विदेशी नीति कहती है कि आपके पड़ोसी से रिश्ते अच्छे होने चाहिए तब आप जाइए, लेकिन पड़ोसी हमारे जवानों को शहीद करके उसके घर भेज रहा है और आप जाकर के सवई खा रहे हैं, ये कोई नीति नहीं हो सकती। एक, आपने गठबंधन को लेकर सौरभ भाई आपने बात की है। गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिए, 4 साल में, मैं तो कहूंगा जब इनका मौका है तो बताएं, 4 साल में किसानों की आत्महत्याओं का रेशियो कितना बढ़ा है। आपने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। आज जब हम आप 4 साल पर बात कर रहे हैं तो इस देश के नौजवानों को 8 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, 10 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं मिला। और आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपको इतना बड़ा बहुमत मिला। जब लोकतंत्र में आपको बहुमत मिल जाए, जनता जनार्दन आप पर भरोसा कर ले, तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए। यह कह रहे हैं कि आप क्यों हार रहे हैं। अरे कांग्रेस वैसे ही हार गई जैसे 80 से लेकर आप लगातार हारते आए। इसका मतलब यह नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि कितने गांव में बिजली दी कांग्रेस ने, ये बता, आप केवल ये बता दो आपके सांसदों ने जो गांव लिए थे उन गांव की क्या हालत है। देश को आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस में बीच में बोल रहे हैं ना, देखिए बीच में बोलना, मैं आंकड़े उसके बाद बोल रहा हूं। अब दो लोग एक तरफ के हैं, ये भी फेयर है कि इनको दो लोगों का जवाब देना है ना, जवाब देना है, ये बोलने पर दो का नहीं देना, सिर्फ एक बात क्या है सौरभ भाई नहीं कर सकते, मिल जाए जहां जेडीयू अभी सुनील साजन के सवालों का जवाब तो दे दे, फिर राजीव त्यागी। देखिए पहली बात इन्होंने कही कि कांग्रेस ने कितने गांव को बिजली दी। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, 55 साल हुकूमत आपकी थी और देश के 20,000 गांव ऐसे थे जहां पे बिजली नहीं थी, उनको बिजली हमने दी। दूसरी बात इन्होंने बात करी सेना की, सेना के जवान वो हैं जो हमारे देश के लिए मर मिट जाते हैं, लेकिन आप देखिए कांग्रेस का चरित्र, ये आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला देते हैं और अखिलेश यादव जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो पूछते हैं गुजरात से कितने लोग शहीद हुए हैं। मतलब सेना को भी ये धर्म और रीजन के हिसाब से बांटना चाहते हैं। तीसरी बात इन्होंने करी पाकिस्तान की,
पाकिस्तान को अगर कभी करारा तमाचा पड़ा है तो वो सर्जिकल स्ट्राइक्स में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। हाँ, वो बिचारा भी उठ नहीं पाया है, वो भी उठ नहीं पाया है। अरे आप शहीदों का अपमान कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, देखिए परेशानी हुई, शहीदों का अपमान कर रहे हैं इन्हीं की बातों का। अरे आप शहीदों का अपमान करेंगे, नहीं चाहते उत्तर क्या बात कर रहे हैं। अरे शहीदों पर झूठ ना बोले, अभी तो मैं अगर इतना आप किसान पे झूठ बोलेंगे, आप नौजवान पे झूठ बोलेंगे, आप शहीद पर झूठ बोलेंगे, चुप हो जाइए। अरे लाल किला नहीं है ये, आप चुप नहीं कराएंगे। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मुझे लगा अखिलेश यादव जी के बयान के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आजम खां भी है, भूल गया। आजम खां वो है जो ये कहते हैं याद रखिए, कारगिल की चोटियां फतेह करने वाले मुसलमान जो है सेनानी थे। आप बताइए क्या हमारी सेना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से चलती है? यही इनकी सोच है जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अब मैं आता हूं भ्रष्टाचार पे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इधर तो 2G कोलगेट रॉबर्ट वाड्रा ऑगस्टा वेस्टलैंड और माने कितने हैं, उधर गायत्री प्रजापति थे, बलात्कार का आरोप लगा, सबसे भ्रष्ट माइनिंग मिनिस्टर और तिजोरी भर रहे थे यादव परिवार की, लेकिन उनको क्या हुआ, पुरस्कार मिला और उनको मंत्री बनाया गया। ये तो है भ्रष्टाचारी पार्टियां जी। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे सांप्रदायिक राजनीति हो, ये गोंद है जो इन्हें जोड़े हुए हैं। त्यागी, राजीव त्यागी, सत्ता सुख भोगने का गोंद इन्हें जोड़े हुए। मेरे मित्र ने आंकड़े नहीं दिए अभी, लेकिन मैं कुछ ये नहीं बोलूंगा। अच्छा, मुद्रा योजना नहीं देंगे, ये सब आंकड़े नहीं है। देखिए, अरे जवान पे बोलो, अपने गरीब पे बोलो, ये आंकड़ा नहीं है। आप रोजगार पे बोलो, आप अपने देश की बात कर रहे हैं, 3% है, ये आंकड़ा नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, 400 बिलियन डॉलर से ऊपर है, ये आंकड़ा नहीं है। सेंसेक्स 35,000 से ऊपर है, ये आंकड़ा नहीं है। अरे आंकड़ा क्या है, राहुल गांधी के कितने एसेट है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। और देश में 6,39,000 गांव में से वर्ष 2014 में सिर्फ 18,000 गांव में बिजली पहुंचनी थी। 18,000 गांव वो क्यों नहीं पहुंची? कांग्रेस पार्टी ने 2000 कांग्रेस पार्टी ने 66 साल में क्यों नहीं पहुंची? 9,688 की दर से मान रहे हैं, 2000 की दर से एवरेज बता रहे हैं कि वर्ष बिजली पहुंचाई साल एक साल में कितने गांव में बिजली जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भी जोड़ा है, नहीं पहुंचा। 66 साल में मैंने चंद्रशेखर आजाद का कार्यकाल भी जोड़ा है, 66 साल में मैंने बीपी सिंह का कार्यकाल भी जोड़ा है, और 66 साल में मैंने मोरारजी देसाई साहब का कार्यकाल भी जोड़ा, हालांकि 60 साल हमारी सरकार रही। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने 18,000 गांवों की जगह अभी तक 14,000 गांव में बिजली पहुंची है। नहीं, सारे गांव में बिजली पहुंच गई है पिछले महीने। आप मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री ने माना, आपको अपडेटेड मध्य प्रदेश में सब गांव में बिजली, नरेंद्र मोदी जी ने कही थी सारे गांव में बिजली पहुंची है। भ्रष्टाचार में आपको चुनावी मुद्दा नहीं मिलेगा, जवाब देते हैं भ्रष्टाचार दूसरों की गरीबी पे अपनी राजनीति जनता पार्टी कड़ाई खुल जाएगी। बता देगा सवाल जवाब चाहते हैं किसी बात, बोलिए। रेड्डी को बगल में लेकर खदानों की कालक को खुद से रंगकर राफेल विमान में 56,000 करोड़ का घोटाला कर अमित शाह के बेटे को 16,000 गुनी आमदनी देकर पीयूष गोयल और उनकी पत्नी से दंगदारी लेकर मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को गोद में खिलाकर प्रधानमंत्री जनता का काम लगाकर भ्रष्टाचार पर पूर्णतया मौन रहकर जनता को समझते फूल, जनता फूल नहीं है, सब समझ रही है 56,000 करोड़ रुपए रफेल में आपने कैसे खाए, जनता सब समझ रही है कि 16,000 गुनी आमदनी कैसे अमित शाह की बेटी की बढ़ गई, जनता सब समझ रही है अमित लोहिया अब किस तरह से जज लोहिया की हत्या हुई है, जनता सब समझ रही है कि कैसे आपने मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को भगाने का काम किया और उनसे दंगदारी लेने का काम किया। याद रखिए, वो ये वही मेहुल चौकसी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की सारी फैशन शोज को डिजाइन करते थे और उनको स्पॉन्सर करते थे। ये वही मेहुल चौकसी है जिसने गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात को स्पॉन्सर करने का काम किया, और यही मेहुल चौकसी है जिसमें कहा था प्रधानमंत्री ने मेहुल भाई यहां बैठे हैं, मेहुल भाई अब देखिए कहां है भाई, अगर आप कहां भाई बताओ, नीरव मोदी कहां है भाई, नीरव मोदी कहां है भाई, नीरव मोदी के एक फंक्शन में राहुल गांधी की भी तस्वीर है। माय डियर फ्रेंड, तस्वीर तो कोई किसी के साथ भी खिंचा सकता है, आपकी दस जगह खिंचती है, मेरी भी दस जगह खिंचती है, गौरव जी की दस जगह खिंचती है। गौरव, देखिए नीरव मोदी का आपने सही कहा कि उनकी पार्टी में राहुल गांधी खुद गए, उनके साथ उनके क्या संबंध है सब जानते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की परंपरा को आगे मत बढ़ाइए झूठ बोल करके प्रधानमंत्री की परंपरा को मत बढ़ाइए। अगर आप नहीं मानेंगे, झूठ नहीं बोलने दूंगा, मेरा झूठ नहीं बोलने दूंगा। 16,000 गुनी अमित शाह के बेटे कैसे बन गई बताइए, 56,000 करोड़ रुपए रफेल में कैसे खा गए आप लोग, प्रधानमंत्री मोदी कैसे खा गए बताइए ना। राजीव भाई, अभी आपने इतनी लंबी कविता सुनाई और कमियों की, पीयूष गोयल की 3,000 गुनी आमदनी बढ़ गई, उसका जरा फॉर्मूला नौजवान जवाब जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं अभी उसका जवाब। हाँ,
देखिए सबसे अहम बात यह है, नीरव मोदी पे मैंने बता ही दिया, राहुल गांधी वहां पे थे, और ये जो सारे एनपीए हुए, सारे एनपीए हुए किसके टाइम पे? ये गड्ढे खोदे किसने भारत की धरती पे? आपने तीन साल जब जनता पार्टी की सरकार थी तब आपने गड्ढे खोदे, हमें बनने में टाइम लगा। अब चार साल में आपने गड्ढे खोद दिए कि 2019 में जब कांग्रेस पार्टी सरकार आई है गड्ढे खोल, ये गड्ढे भरने में हमें टाइम लगेगा। सच्चाई की मेहनत आपने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से देश को नुकसान दिया है। हाल हो गया राजीव त्यागी, आप लोग बताइए ना, आप लोग ने आपको रोज बहस करते हैं मेरे पे कर रहे हो, गौरव भाटिया पसीने आपको आ रहे कमेंट मेरे कर रहे हो, आपने देखा चुप थे वो, मैं कह रहा हूं इसी में मत लो, एक एक करके आराम से बात हो सकती है। आरोप तो आप दोनों एक दूसरे पे ऐसे ऐसे लगा रहे हो कि तिल मिलाना जायज है, मैं तो मान रहा हूं। थोड़ा गौरव प्लीज, मेरे मित्र हो तुम, पानी हो गया, मैं बधाई दे दूं, ये कंप्लीट कर ले फिर आप सुनिए सर। नहीं मैं बधाई दे दूं, हमने दशानन के 10 मुंह देखे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 100 मुंह है, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, 100 मुंह है, कब झूठ इस मुंह से झूठ बोल दे, इस मुंह से झूठ बोल दे, सामने से झूठ बोल दे, पीछे से झूठ बोल दे, बाएं से झूठ बोल दे, दाएं से झूठ बोल दे, चारों तरफ से झूठ झूठ झूठ। राजीव त्यागी, राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी, yes, आप गुजरात आज बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं, कोई तैयारी, ये तैयारी है, सारा एक साथ बोल देंगे, झूठ बोल देंगे, सारा एक साथ थोड़ी बोल देंगे, ब्रेक ले लेके बोलेंगे ना सब, पर ये झूठ झूठ ब्रेक ब्रेक लगातार झूठ ना बोले। देखिए राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी, अरे एक गान कर रहे हो, कोई दिक्कत है क्या आपको? मोदी बोला कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी का नाम ले लेता हूं, कर रहे हैं, एक शेर सुना देता हूं, मैं राहुल गांधी नहीं बोल रहा, सुना देता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत बढ़ती है, मैं दुश्मनों को बड़ा एहतराम से सुनता हूं, आपको बार बार सुनाऊंगा, बार बार सुनाऊंगा। देखिए राहुल गांधी जी का नाम लेकर के स्तुति चालीसा पढ़ते हैं, करिए खूब करिए, खूब करिए, बोलने दो, पर झूठ पे बताइए, आप झूठ पे बताइए, राफेल पे बताओ, जज लोया पे बताओ, हाँ। अमित शाह के बेटे की सुलह गुनी आमदन बढ़ गई, बताइए तड़ी पार अमित शाह पे बताइए। ब्रेक राजीव त्यागी, ब्रेक, अब ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक थोड़ी देर, अब आप प्लीज थोड़ी देर के लिए ब्रेक। देखिए क्या होता है दोहरा मापदंड, इन्होंने जज लोया की बात करी, बहुत अच्छी बात है, मैं भी उठाना चाह रहा था, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रहार कर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर प्रहार कर रहे थे, महाभियोग ला रहे थे, लेकिन जब अपने लिए इंसाफ चाहिए था तो उसी मुख्य न्यायाधीश ने मास्टर ऑफ द रोस्टर होने के नाते बेंच रात में बनाई, जवाब ईवीएम इन्होंने दोगलापन, मैंने बता दिया, इलेक्शन कमीशन, जब अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव जीते तो सोनिया गांधी जी बाहर आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छी संस्था है, लेकिन जब ये चुनाव हार गए तो वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेईमान हो गया। आप आर्मी देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ईवीएम देखिए, जुडिशरी देखिए, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसको ये लोग खोखला नहीं करते हैं, और इमरजेंसी भूले नहीं है हम लोग, केवल ये पाकिस्तान से तुलना हो रही थी राहुल गांधी के हिसाब से, भारत का लोकतंत्र जो पूरा विश्व कहता है सबसे अच्छा है, राहुल गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा हो गया है, इमरजेंसी जब लगी थी तो पास आया था जो पाकिस्तान का लोकतंत्र है, और उसके अलावा भारत में कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आई, इंदिरा गांधी का समय आप छोड़ दीजिए, और इसीलिए आज जो बड़ी बात है वो ये है, भाई ने सिद्धारमैया के ट्वीट का जवाब नहीं दिया, संजय निरुपम के ट्वीट का जवाब नहीं दिया, राहुल गांधी जब कहते हैं भारत पाकिस्तान जैसा लोकतंत्र है उसका जवाब नहीं दिया, और मैं आखिरी बार कहता हूं, क्या योग्यता है, क्या ईमानदारी है राहुल गांधी में, आप पूरी दर्शकों को एक क्वालिटी बताइए राहुल गांधी की जिसकी वजह से वो कहते हैं हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, बताइए। सुनील जी हो जाने का है, देखिए राहुल गांधी पर पूछ रहे हैं, दूसरी उंगली नीचे, कोई योग्यता है, एक क्वालिटी बताइए, झूठ में होती है, हाँ क्या योग्यता है जो हिंसा और अहिंसा में होती है, कोई योग्यता है जो मानवता और दयालुता में होती है, और वही योग्यता है जो आप भाटिया साहब के पुत्र हैं है? तो आपकी भी वो योग्यता है, वो कह रहे हैं कि योग्यता से निकल के आए हो, उन्होंने कहा राहुल भाटिया साहब के पुत्र हो आप, वो कह रहे हैं राहुल गांधी मानव हैं, आपके यहाँ दानव हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, देखिए एक बात बताऊं, मैं एक चीज में हार मानता हूं, कांग्रेस दो चीजों में भारतीय जनता पार्टी से हार गई साहब, पहले चीज में तो हार मानी नहीं दूंगा, पहले चीज में हार मानी, क्रूड ऑयल से क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार कर लेंगे अगर ऐसी नौबत आई, बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, नहीं क्यों स्वीकार कर लेंगे, नहीं करेंगे, ये कौन प्रधानमंत्री होगा ये तय करेगी इस देश की जनता, इस देश की जनता बनाएगी, इस देश की जनता, हम सौरभ जी, हम आप या राजीव जी या भाटिया जी नहीं तय कर सकते, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा वो यही तय कर सकते जो सामने बैठे हो, जो टीवी पर देख रहे हैं, जी क्या करेंगे तो वो तय कर सकते हैं ना। एक बात, क्योंकि बहुत देर से मैं बीजेपी को सुन रहा हूं, मन आया कि मैं इनको धन्यवाद दे दूं कि चार साल में इस देश में एक किसान ने भी आत्महत्या नहीं की,
चार साल में एक भी बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ। इस चार साल में उत्तर प्रदेश में कोई उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में चुप रहिए। अपनी हकीकत अपना आईना देखने की कुमार होनी चाहिए। पार्टी की सरकार होनी चाहिए आपको। देखिए मैं बधाई देता हूँ, बहुत ही कोई भी है ये बात। नौजवान नहीं राजनीति के पास रोजगार ना हो क्या? सुन ले, मुझे लगता है 10 रुपए में डीजल है, किसी महिला के साथ गलत हो पेट्रोल है, इसलिए राजनीति को बधाई दे दे। और ये कह रहे हैं वंशवाद, गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया, इन्होंने कहा वंशवाद कहाना, वंशवाद कहाना। अगर अगर आप वंशवाद लगाते ये बताओ, अरे ये बताओ आप, अरे यादव से नहीं लड़ पाएंगे। इधर सुनिए, हमारा भी देश है, हमसे आंख मिला के देखिए, अरे आंख मिला के देखिए, हिम्मत होता होगी, अरे इधर इधर ये चलेंगे, इधर में ताकत होगी आंधियों के सामने। आप में प्रमाण है, ये अपने आप में प्रमाण है वंशवाद के। ये बताइए ये वंशवाद के प्रमाण है कि नहीं? एक एक मिनट में खत्म करो मैडम, एक मिनट बिना माइक के कोई फायदा नहीं है। इन्होंने माइक के फायदा नहीं है मैम, माइक के इतना फायदा नहीं है। सौरभ जी माइक दिया तो माइक दीजिए यहाँ पे, लेट द माइक कम टू यू। माइक आ रहा है आपके पास, माइक आ रहा है आपके पास। आप आज यहाँ जिस पोजिशन पे खड़े हैं, अगर अखिलेश ना होता तो आज आप यहाँ नहीं खड़े थे। रुकिए, हम यहाँ सब पागल नहीं बैठे, हम सब यहाँ पागल नहीं बैठे। अगर बीजेपी ने आपको लिया, अखिलेश ने आपको पागलों की तरह सुनने के लिए नहीं बैठे, सवाल पूछने के लिए और इसका आप दे रहे देना जरूरी नहीं है। कोई पर्सनल कमेंट का जवाब, कोई पर्सनल कमेंट ना कीजिए। एक मिनट का सवाल है, बहुत अच्छा मौका देंगे। समाजवादी पार्टी की वर्कर होगी, उन्होंने अपना जवाब दिया। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये एक बार अपनी बात शांति से कंप्लीट कर ले। अब मैं किसी पर बिना आरोप लगाए कह रहा हूं, आप मत दीजिए जवाब। ये मौका देना चाहता हूं, इंडिया टीवी ने दिया हम लोगों को, तो मैं केवल जानना चाहता हूं देश के अपने प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने जो कहा था काला धन आएगा, वो एक साल में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। आपने कहा था किसानों की जो फसल का दाम होगा